कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कहिए ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वह कार्बन कंपाउंड्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेन किए रहे जिसका फॉर्मूला होता है COOH, वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही कॉमनली ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अनदर नेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज अल्कानोइक एसिड्स। और इसका दूसरा कॉमन नेम है अल्कानोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या क्या कहते हैं, एक कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा एक नाम इसका और है अल्कानोइक एसिड्स। द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड HCOOH। और सबसे फर्स्ट मेंबर जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है फॉर्मिक एसिड HCOOH विच इज ऑल्सो नोन एज मिथानोइक एसिड, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं मिथानोइक एसिड। द मोस्ट कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड इज हाउएवर एसिटिक एसिड। और सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, एसिटिक एसिड, जिसको आप मोलिकुलर फॉर्मूला है CH3COOH विच इज ऑल्सो कॉल्ड इथानोइक एसिड, जिसे कि हम लोग IUPAC नेम में ऑल्सो कहते हैं क्या, इथानोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम है उसका एसिटिक एसिड। देखिए, नेम द कंपाउंड HCOOH बाई IUPAC मेथड, IUPAC मेथड के द्वारा। तो इसका भी जो नाम होता है वो अल्केन से ही डिराइव होता है, ठीक है। अल्केन में क्या होगा, ई को हटा दीजिए और उसके जगह पर ओइक एसिड ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो हो जाएगा क्या, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। तो यहाँ देखिए HCOOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, यानी कि मीथेन, तो मीथेन से हो जाएगा मिथानोइक एसिड, है ना। IUPAC नेम इसका हो जाएगा मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड, इसे कॉमन नेम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम है मिथानोइक एसिड। स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन एक दे दीजिए और एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड के साथ, सिंगल ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहते हैं, और एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथानोइक एसिड या कहिए फॉर्मिक एसिड। नेम द कंपाउंड CH3COOH बाई IUPAC मेथड। चलिए IUPAC नेम इसका दे दूं, बहुत आसान है, IUPAC नेम देना तो सबसे आसान है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथानोइक एसिड, है ना, इथानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यही है, इथानोइक एसिड का ही हम लोग कहते हैं क्या, इथानोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर खींच लूं CH3 का HHH, उसके बाद रहा COH, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ, है ना। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इथानोइक एसिड। नेम द कंपाउंड CH3CH2COOH बाई IUPAC मेथड। अब देखिए IUPAC मेथड के द्वारा इसका नामकरण करता हूं, तो IUPAC नेम तो सबसे आसान है। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है देख के बताइए, कितने हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपन ओइक एसिड, वेरी गुड।
बहुत आसान है, प्रोपानोइक एसिड। स्ट्रक्चर खींचे सिंपल, CH3 CH2, अब रहा COH, तो COH में C लिखिए, डबल बॉन्ड O ऊपर दीजिए, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इधर दीजिए, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोइक एसिड।